नमस्कार। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बीएमसी ने इससे निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत बीएमसी ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीनों को लगाने की शुरुआत कर दी है, जिसके सहारे हवा की गुणवत्ता को मॉनिटर किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बीएमसी ने अपने इस एक्शन प्लान के तहत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन को लगाने की शुरुआत अपने हेडक्वार्टर से की है। दरअसल बीएमसी का दफ्तर बड़े सीएसटी जंक्शन पर आता है और अधिक गाड़ियों की आवाजाही की वजह से इस इलाके में प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा रहता है। बीएमसी द्वारा लगाई जा रही एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन के जरिए न केवल रियल टाइम प्रदूषण के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि इसके समाधान के लिए काम करने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इस मशीन के जरिए हवा को साफ भी किया जा सकेगा। उन इलाकों में मशीनें लगाने पर बीएमसी विशेष जोर दे रही है जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है। इसमें वो इलाके भी शामिल है जहां कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के प्रभा देवी, खार, साकिनाका, कांदिवली वेस्ट, देवनार सहित 10 इलाकों में मशीनें लगाने के लिए बीएमसी ने जगहों की पहचान कर ली है और जल्द ही वहां भी मशीनें स्थापित की जाएगी। दरअसल मुंबई में प्रदूषण मापने का काम महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की ओर से किया जाता है, लेकिन अब इसमें बीएमसी भी शामिल हो गई है। इसकी मुख्य वजह है मुंबई में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ना। तो दोस्तों, मुंबई में बीएमसी द्वारा एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की ताजा खबर। महाराष्ट्र मुंबई और मुंबई लोकल ट्रेन की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।